बिहार के दरभंगा में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है। यहां ग्रेजुएशन के छात्र को हाल ही में जारी परीक्षा परिणाम में अधिकतम अंकों से भी अधिक अंक प्राप्त हुए। छात्र ने कहा कि मैं रिजल्ट देखकर वास्तव में हैरान था। मैंने बीए ऑनर्स की पार्ट टू एग्जाम परीक्षा में राजनीति विज्ञान के पेपर में 100 में से 151 अंक प्राप्त किए। हालांकि यह एक वैकल्पिक अंक पत्र है, लेकिन अधिकारियों को इसे जारी करने से पहले इसकी जांच करनी चाहिए थी। चूंकि यह टाइपिंग की गलती थी, इसलिए बाद में मुझे संबोधित अंक पत्र जारी किया गया। यूनिवर्सिटी की ओर से 30 जून को रिजल्ट प्रकाशित किया गया था। वहीं एक अन्य छात्र जिसे बीकॉम पार्ट टू में लेखांकन और वित्त में 0 अंक मिले हैं को अगली कक्षा में प्रमोट किया गया है। इस पर उसने कहा है कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने स्वीकार किया कि यह एक टाइपिंग एरर था और उन्होंने मुझे एक संबोधित अंक पत्र जारी किया है। इस पर उसने कहा कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने स्वीकार किया कि यह एक टाइपिंग एरर था और उन्होंने मुझे एक संबोधित अंक पत्र जारी किया है। छात्र के द्वारा शिकायत मिलने पर विश्वविद्यालय स्तर से डाटा सेंटर की ओर से अंक पत्र को आधिकारिक वेबसाइट से हटा लिया गया है। LNMU के रजिस्ट्रार प्रोफेसर मुश्ताक अहमद से जब इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि टाइपिंग की गलतियों को सुधारने के बाद 2 छात्रों को नई मार्कशीट जारी की गई है। यह केवल टाइपिंग संबंधित एरर था और कुछ नहीं। देखिए, अनमोल कुमार जो हैं, हमारे विश्वविद्यालय का एक संबद्ध महाविद्यालय है, MRJD कॉलेज बिशनपुर बेगूसराय, उसके वो मतलब द्वितीय खंड का छात्र है। पॉलिटिकल साइंस में उसे जो ऑनर्स पेपर है उसमें एक में उसको 58 नंबर है, एक 62 नंबर है। उसके जोड़ने में जितना नंबर होना चाहिए, बाय मिस्टेक कंप्यूटर की गलती से 151 हो गया। रिजल्ट जैसे ही पब्लिश हुआ, ये छात्रों की तरफ से आया कि इसमें गलती है, जबकि इमीडिएट उसको निराकरण कर दिया गया। ऐसी गलतियां कंप्यूटर से भूल से होती रहती है, मानवीय भूल से होती रहती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि उनको जानबूझ के बढ़ा दिया गया हो या उनके साथ कोई ये किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो छात्र अगर ऐसा होता तो उसके जोड़ में अंतर आता, तो उसके मार्क्स जो टोटल है उसमें कोई अंतर नहीं आया। वो एक जो है 51 के जगह पर एक इधर भी टाइप हो गया, जिसके कारण ये जो है ये भ्रम पैदा हो गया कि 100 के अंक में 151 अंक हो गया, उसको सुधार कर लिया गया है।